उमा भारती उन नेताओं में हैं जिन्हें नेता बनने के लिए, बड़ा नेता बनने के लिए सौगातों की बारिश नहीं करनी पड़ती। उमा भारती को विपक्ष के नेता भी बड़ा मानते हैं, आरोप भी लगाते हैं, लेकिन उमा भारती उमा भारती हैं। टीकमगढ़ में जन्मी उमा भारती देश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, लेकिन शायद टीकमगढ़ के लोगों ने 11 साल की उम्र में ही कह दिया था, होनहार बिरवान के होत चीकने पार। सनातन के रास्ते सियासत का एक लंबा सफर भारती का रहा, लेकिन टीकमगढ़ के शिक्षकों ने जिस छात्रा को अवतार बता दिया था, उस टीकमगढ़ के लिए आज भी वो सर्वमान्य दीदी हैं। साथ ही हैं जातिवाद के आरोप। उमा जी का जो है, जो गृह निवास पर स्नेह और प्रेम होना चाहिए, उसमें जाति विशेष की भावना से लेना चाहिए। उन्हें आज जो अपने टीकमगढ़ में जो कराया है, वो हर व्यक्ति की नज़र पर हुआ है। हर व्यक्ति को ये पता है कि सही आदमी को रास्ते से भटका के इन्हें अलग कर दिया है। जाति विशेष तो है ही, है जो तो क्लियर ही है उनका। क्या करते? जाति विशेष तो है ही, जाति की ज़्यादा राजनीति कर दो। उमा भारती देश की बड़ी नेता हैं, प्रदेश की बड़ी नेता हैं, ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को कि वो ओबीसी से हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको पचा ही नहीं पाते हैं। कांग्रेस के क्या जवाब चाहिए आपको? उनके भारतीय जनता पार्टी वाले ही लोग उनको ओबीसी का नेता समझते हैं, और जब जब भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी के वोटों को साधने की जरूरत पड़ती है, तब तब उन्हें उमा भारती याद आती हैं, फिर उसके बाद वो उमा भारती को हाशिए पर डाल देते हैं। बड़ा नाम होने की चुनौती भी बड़ी है। अपने करीब 8 महीने के कार्यकाल ने उमा भारती के नाम कई रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन कर्म भूमि पर सितारों सी चमक रखने वाली दीदी के लिए जन्म भूमि का एक तरफा प्रेम हमेशा चुनौती बना रहा। लेकिन फिर दोहरा दें, बेबाक भारती जानती हैं पत्थर कहाँ लगेगा, असर कहाँ होगा। राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मैं मुख्यमंत्री के उमा भारती स्पेशल में इतना ही, लेकिन इसके बाद शुरू होता है गौर युग। आपने ये भी देखा, ये दिलचस्प भी था कि गंगा की कसम दिलाई गई, देवताओं की कसम दिलाई गई, लेकिन साध्वी की सत्ता दोबारा ना लौट सकी। इसके बाद शुरू होता है गौर युग, शिवराज सिंह चौहान युग। आगे की कड़ियों में उन पर चर्चा।